वो सीए की कैपेसिटी में भी काम नहीं किया उसने, तो सबसे पहली बात तो है कि एक सीए ने ऐसा कोई काम किया वो बंद होना चाहिए। मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई बात आप उसके नाम से छापिए, बट ये काम सीए का नहीं था जो उसने। जब तक इंक्वायरी नहीं, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, विदाउट इंक्वायरी आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और अरेस्ट करने का एक पूरा प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक प्रॉपर एसओपी डिसाइड होनी चाहिए कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो उसमें इंस्टीट्यूट की भागीदारी पूरी होगी, इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व होगा, इंस्टीट्यूट कार्रवाई करेगा। जब सीए एक्ट है तो सीए जो हमारी डिसिप्लिन कमेटी है वो ही कार्रवाई करेगी। मांगे वो सीए प्रोटेक्शन बिल, और दूसरा जो भी हमारे सीए के केसेस हैं, जो भी हमारे गुरुग्राम जीएसटी के केसेस हैं, उसके अंदर प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं आज आपके साथ आप सबका समर्थन भी मांगूंगा, सीबीआई इंक्वायरी के बाद जो भी दोषी हो, चाहे वो डिपार्टमेंट के लोग हो या मेरा कोई सीए भाई हो, उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम साथ हैं गवर्नमेंट के, पर बिना इंक्वायरी। और जो इंक्वायरी आपने सुना होगा गुड़गावा का जो केस हुआ, ये डिपार्टमेंट के ऊपर एक जांच आई थी, बट उन्होंने सीए को सॉफ्ट टारगेट बनाकर सीए के नाम आगे डाल दिए, और उस वजह से हमारे सीए दो भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया। हमारी प्रॉपर इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी के बाद अगर कोई भी दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देंगे, और हम गवर्नमेंट के साथ है इस मामले में। बट जब तक इंक्वायरी नहीं, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, विदाउट इंक्वायरी आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और अरेस्ट करने का एक पूरा प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक प्रॉपर एसओपी डिसाइड होनी चाहिए कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो उसमें इंस्टीट्यूट की भागीदारी पूरी होगी, इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व होगा, इंस्टीट्यूट कार्रवाई करेगा। जब सीए एक्ट है तो सीए जो हमारी डिसिप्लिन कमेटी है वो ही कार्रवाई करेगी। आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले एक आईएएस ऑफिसर झारखंड, आई थिंक झारखंड में कुछ करोड़ों रुपए मिले, और उसमें हमारे एक सीए भाई का भी नाम आया। मैं आज आपको बोलता हूं, पहली बात, हमारे सीए का काम ऑडिट करना है, हमारे सीए का काम एडवाइस करना है। अगर कोई ऐसा काम करता है तो हम उसके साथ नहीं खड़े, और वो सीए की कैपेसिटी में भी काम नहीं किया उसने, तो सबसे पहली बात तो है कि एक सीए ने ऐसा कोई काम किया वो बंद होना चाहिए। मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई बात आप उसके नाम से छापिए, बट ये काम सीए का नहीं था जो उसने किया। हमारा काम प्रोफेशनल कैपेसिटी में, अगर हमारे से कोई गलती हुई है तो वो बात आगे आए, वो अगर कोई ऐसा कोई गलत काम करता है तो वो सीए का काम है ही नहीं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो आज चिंगारी लगी है, आग लगी है, इसमें हम शांत नहीं बैठेंगे। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, 2 अप्रैल को जब हमारे साथ यहां कोई नहीं खड़ा हुआ था, जब भी 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मल मेंबर कोई अथॉरिटी हमारे साथ नहीं थी, सबने मना कर दिया था, ऊपर से प्रेशर है, हम नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट का प्रेशर है, हम यहां 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट आईआईए के अगेंस्ट खड़े हुए थे, टीम सीए, हमारे ऊपर भी प्रेशर आया, एक्शन हो जाएगा, हमने कहा कर दो एक्शन, जो होगा देखा जाएगा। जिंदाबाद। और आज आपको विश्वास दिलाता हूं, टीम सीए का मतलब आप और हम हैं, मैं और भाई नहीं है। किसी भी सीए के साथ कोई गलत होगा, हम आगे खड़े मिलेंगे, और जिसको कार्रवाई करनी है कर दो, नाम हमारा लिखा हुआ है, लिस्ट है, लिस्ट में नाम है, फोटो ले जाओ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप साथ रहिए, हमारे किसी सीए के साथ गलत नहीं होगा, और अगर कोई सीए गलत कर रहा है तो उसके जो भी अथॉरिटीज है कार्रवाई करें, पर प्रॉपर तरीके से, इंस्टीट्यूट के मैकेनिज्म के थ्रू। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बोलिए, हमने इसी मंच से वादा किया था कि अगर सीए के अगेंस्ट कुछ होगा तो हमारी टीम सीए का मतलब हम सब उसके साथ खड़े रहेंगे। और इस वादे को गुड़गांव टीम ने, हमारी एनआईआरसी ने और हमारे सब सीएस ने, हमारी सब ब्रांचेस ने मिलके पूरा किया है, और आगे भी हम करते रहे। तो मैं आपसे अंत में यही एक वादा लूंगा कि ऐसे ही आगे अगर किसी सीए के साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम सारे खड़े हो जाएंगे, और हम
गवर्नमेंट का भी उस जांच में सहयोग करेंगे और जो भी दोषी होगा चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी भी जो जायज सीए है जिसने कोई गलत काम नहीं किया है हम उसको कुछ भी नहीं होने देंगे। मैं आज आपको वादा करता हूँ, यही वादा 2 अप्रैल को किया गया था कि कुछ भी हो हम सबसे आगे खड़े, जो करना है कर लेना हमारे ऊपर। धन्यवाद।